दिन प्रतिदिन ड्यूटी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो खाली दिन में ही होता था, अब रात में भी हो रहा है। तो घर जाओ फिर तुम वापस। हम तो आपके लिए कह रहे थे मैडम, हमारे लिए तो रोज नाइट ड्यूटी होता है। नहीं नहीं वैसे पक्का यही वो जगह है ना जो नैना मैडम ने मैसेज करके बताई है? 11वीं बार बता रहे हैं, ये वही जगह है जो नैना मैडम ने बताया है। वो बंदा यहीं से आएगा, उसने सूट पहना है जामुनी कलर का, उसकी गाड़ी का नंबर 8115 है, बात खत्म। यहीं से आएगा वो बस। ऐसे हमको अपना गांव का होलिका दहन याद आ गया एकदम, ऐसा आग देख के हम भी उसमें बहुत कुछ जलाया करते थे। जीते लल्ला के पप्पा, उनको भी जलाई थी क्या? नहीं नहीं, हम दोनों हर साल साथ में होलिका दहन करते थे। गाड़ी 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 जीते। जी भाई साहब, क्या चल रहा है? मैं अपने घर जा रहा था। हाँ ठीक है, तो पुलिस को देख के इतना सक पका कह रहे हैं? मैं कहाँ पका रहा हूँ, अब पका नहीं रहा हूँ, सक पका रहा हूँ। इतना जल्दी में कि आधा शब्द खा गए आप? हाँ हाँ हाँ, देखो देखो चेहरा तो देखो उसका। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैडम कोई गड़बड़ नहीं, मैं बस अपने घर जा रहा था। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे घर ही जाते हैं। बाहर निकालो, तलाशी लो। आई आई बाहर आई बाहर आई। चलिए चलिए हो गया। क्या आई आई इधर आई। अरे क्या कर रहे हैं सर? देखिए एक जिम्मेदार नागरिक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन नागरिक? कौन नागरिक? जिम्मेदार नागरिक। इतना ज्यादा शराब पी के कौन जिम्मेदारी निभा रहा है रे तुम? मैडम पी के थोड़ी ना ड्राइव कर रहे थे, हम तो पीछे बैठे हुए थे। तलाशी लो, ठीक है तलाशी लो। जी मैडम, खड़ा हो जाओ एकदम एकदम, हिलना नहीं, रुको, अच्छे से तलाशी लो। क्या कर रहे हैं सब? हिल मत ना यार, हिल मत ना यार, सीधा खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। करिए गलत कर रहे हैं मैडम, गलत कर रहे हैं हमारे साथ। ये चल तू चल। का है? हम गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ हैं? काहे? तुम्हारी मैया की सासू मैया। ये तो दूध बनाने वाला पाउडर है। क्या बोल रही है? तो फिर कहाँ है बताओगे? मैडम सच्ची बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ये पता नहीं कहाँ से मेरे जेब में आ गया। ओहो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे जेब में कहाँ से आया। हम बताते हैं तुमको कि का है ना, ये ड्रग्स है, गैर कानूनी नशीला पदार्थ है, जिसका सेवन करना और इसका इस्तेमाल करना, इसको पास रखना, इसको बेचना भी गैर कानूनी है, जुर्म है, समझ रहे हो ना? सही बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम हमारे पास कहाँ से आ गया। मैडम समझाइए ना इनको। बाकी बातें सब थाने जाके होगी, अभी थाने में बताना सब, समझे तुम? चल 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 थाना लेके चलते, वहाँ पर तुमको ठीक से समझाएंगे का इस्तेमाल कर। सुनिए सुनिए, तो अब क्या करना है इसका? अब क्या करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे और का। तो कौन सी धाराएं लगाएं? जितनी इस थाने में पिछले साल से पेंडिंग पड़ी है ना पुष्पा जी, वो सब धर देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो क्या होगा उससे कि हमारा थाना हल्का हो जाएगा और जो है इसके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा 20-25 साल के लिए। मैडम ये क्या कर रही है आप समझती क्यों नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे जेब में वो पाउडर कहाँ से आया। मैडम मुझे लगता है कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे जेब में डाला है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई मेरा पुलिंदा बांधने की कोशिश कर रहा है। मैडम आप समझिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। चल दारू पी के आया क्या? चल चल करे धीरे। ये मेरा सबसे धीरे था। सच में? तो ठीक है, चल फिर चल फिर चल चल चल। ना? तुम भी? हाँ मैं भी, तुम भी, किस लिए? अरे यार मेरे जेब में पाउडर मिला है। अच्छा पाउडर वाला? ऐसे वाला?
ड्रग्स ड्रग्स ओके। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं ड्रग्स एंड ड्राइव में ए ड्रिंक एंड ड्राइव में तुम्हारा बहुत लंबा बड़ा केस है। ये केस जाएगा नार्कोटिक्स हाँ उस डिपार्टमेंट में जाएगा। वहाँ के लोग तुम्हें असल में ऐसी मरम्मत करेंगे ना, मतलब वो ड्रग्स रैकेट की जानकारी निकलवाने के लिए। बस तुम बहुत लंबे लंबे जाओगे, मतलब जेल से बाहर आओगे तो फोटो के साथ बाहर आओगे, वो भी माला लटकी हुई। एक्चुअली ये जो पुलिस है ना, चेरी के पीछे है, चेरी के पीछे। अगर चेरी के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है काम की तो दे दो इनको, शायद ये तुम्हें छोड़ दे। अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता चेरी कहाँ मिलेगा। तुम्हारो नहीं जानते? लेकिन पार्टी में मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना था। क्या? कि चेरी सुबह सुबह गुलमोहर रोड पे कोई मीनाक्षी बिल्डिंग है, वहाँ किसी बूढ़ी औरत से मिलने जाने वाला है। सीमेंट मिक्सचर चालू हो गया मैडम सर। नैना कहाँ है? मैडम कैसे बचेगी? कहाँ है नैना? मैडम सर अब जाके उनको बचाइए, हम इसको देखते हैं। जाइए आप। जिंदगी भर एक ही बात बोलूंगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा। जी सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चेरी को इस बात का आभास हो गया था कि नैना माथुर उसके बहुत करीब है और उसे पकड़ने ही वाली है, इसीलिए उसने जानबूझकर हमें फंसाया ताकि उसे कानून की गिरफ्त से भाग निकलने का थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। हम सब जानते हैं मिस मलिक, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वो भी काम हमें करना पड़ता है।
शायद इसी को ड्यूटी कहते हैं, इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन एक बात आप सभी लोग ध्यान से सुनो और याद रखना कि नियम से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, ना हम ना आप। और मुझे आशा है मिस मलिक इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपने निलंबन को परिपक्वता और समझदारी से लेंगे। अच्छा, ये नैना माथुर कैसी हैं? हाँ हाँ, काफी बेहतर है, पहले से रिकवर कर रही हैं। वो दिल्ली जाने वाली हैं, वहाँ पर उनके फैमिली डॉक्टर है, उनके दोस्त हैं, तो घर जाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। और नैना माथुर को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैडम सर, आप भी जा रही हैं नैना मैडम के साथ? हाँ, जाना पड़ेगा, वो अभी थोड़ी सी कमजोर है, उसे हमारी जरूरत है, तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए निकलते हैं, हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया। लेकिन मैडम सर, यहाँ थाने मतलब आपके पीछे से। आप संभालेंगे करिश्मा सिंह, हमें आप पर पूरे यकीन है। हमारे अलावा अगर कोई ये थाना संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। और सिर्फ आप नहीं है, आप सब हैं। पुष्पा जी, चीता, बिल्लू सब हैं आपकी मदद के लिए। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें फोन करिएगा, हम हैं। लेकिन मैडम सर। क्या मैडम सर, आप होती हैं तो ठीक लगता है, मतलब हम अपना भौकाल भी दिखा सकते हैं, तो हमको पता है कि पीछे से जो है आप संभाल लेंगे। हाँ मैडम सर, आप रहती हैं तो हिम्मत रहता है। हाँ हाँ, अधूरापन लगेगा अब आप नहीं होंगी तो, सुना सुना सा लगेगा मैडम सर, मत जाइए आप। बस यूं गए और यूं आए। जय हिंद। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।